गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर करा रहा था, कि जितना भी हमारे चारों तरफ मैटर होता है वो सब मैटर एटम से मिलकर के बना होता है। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एटम से मिलकर के बने हैं, और जो एटम होते हैं आपस में एटम कंबाइन होंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे और तब बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एटम और एटम जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। एटम की बॉन्डिंग कैसे होगी? बॉन्डिंग का मतलब होता है कुछ फोर्सेस होते हैं, उन्हीं को यहाँ बॉन्ड कहा गया, फोर्सेस को। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, इसके लिए सबसे पहले थ्योरी लेकर के आए थे कोसेल एंड लुईस। लुईस और कोसेल ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया, जैसे कि गैस होती है नियोन 10 2 8, ऑर्गन Ar 18 2 8 8, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। जो इनर्ट गैसें होती हैं ना, वो रिएक्शन नहीं करती, हालांकि अब तो कॉन्सेप्ट आ चुका है रिएक्शन करती हैं। उनके टाइम अभी तक जब किसी भी इनर्ट गैस ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई थी, तो ये मान करके चला जाता था कि इनर्ट गैसें रिएक्शन नहीं करती, इनकी रिएक्टिविटी ज़ीरो होती है। तो उन्होंने देखा कि हर गैस में, हर इनर्ट गैस में जब उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया, उसकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। हालांकि जो हीलियम होती है, हीलियम की आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीट मानी जाती है। तो उन्होंने देखा कि अगर किसी एलिमेंट की आउटर शेल कंप्लीट है, मींस वो रिएक्शन नहीं करेगी, तो एलिमेंट भी जरूर इसी वजह से रिएक्शन करते होंगे। वो क्या चाहते होंगे कि हमारी आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इसके लिए दिया ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मीन्स मतलब कि उनको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम 11 2 8 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। क्लोरीन 17 2 8 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। उन्होंने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर दी थी एलिमेंट के लिए, या लुईस सिंबल एलिमेंट के लिए लुईस सिंबल दिए थे, और जो बॉन्डिंग कर लेते हैं उसके लिए दिए थे उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसका मतलब होता है अगर हमें लुईस सिंबल बनाना हो तो उस एलिमेंट के चारों तरफ हमको उसके जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो डॉट के रूप में दिखा देने हैं। जैसे Na के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे, और पेयर के रूप में दिखाने होते हैं अगर पेयर बन सकता है। जैसे क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ, और बचा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिसको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, जो अकेला बच जाता है। तो इनको कहते हैं लुईस सिंबल। उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जैसा कि इनर्ट गैस का होता है। सॉरी, ये Na लिख दिया यहाँ पर, ये Ne है नियोन। हमारा कॉन्फ़िगरेशन उनके जैसा हो जैसा कि इनर्ट गैसों का होता है। तो उसके लिए उन्होंने तरीका ये बताया कि Na क्या करता है, Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट से रिमूव कर दे, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन का, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसको गेन कर ले, तो दोनों का काम चल जाता है। इसकी आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को, और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो जा चुका है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव। और इधर Cl के एक दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, एक पेयर इसका ये रहा, एक पेयर इसका ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये था, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? Na से आया।
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से बनेगा NaCl। तो मींस सभी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्डिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ऐसे बन जाएगा आपका कंपाउंड। और इस बॉन्ड, इस जो बॉन्ड बनाए इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, आयन्स बनते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट था लुईस और कौसेल का, और इसको क्या कहते थे, वो ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट फिर आते हैं लैंगमुइर। तो लैंगमुइर ने कहा कि ये जो ऑक्टेट पूरा करना होता है ये ट्रांसफ़र से नहीं पूरा करना होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से पूरा करना होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया क्लोरीन का, क्लोरीन 17, तो 287, एक क्लोरीन का और एटम ले लेता हूँ मैं, मींस 287। और क्लोरीन का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है Cl2 की फॉर्म में, मींस उसमें दो एटम जुड़े हुए हैं। तो ये दो एटम कैसे जुड़े हैं आपस में, इसके लिए लैंगमुइर ने बताया कि इन्होंने शेयरिंग की हुई है। अगर क्लोरीन के लिए हम लुईस सिंबल बनाते हैं तो कैसे बनेगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हुआ, एक पेयर यहाँ पर हुआ, एक पेयर यहाँ पर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। ऐसे ही प्लस क्लोरीन का दूसरा एटम, तो उन्होंने बताया कि अगर ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं तो भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। जैसे कि Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके थे, एक किस Cl का आया, इस वाले Cl का, और इधर Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था। तो अब क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर करने के बाद, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए सारे के सारे मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। और जो दूसरा Cl है इसके 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो इस तरह से शेयर करके भी वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सकते हैं, इसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर बॉन्डिंग होगी तब उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो दोनों कॉन्सेप्ट इस तरह के थे, एक कॉन्सेप्ट आयनिक बॉन्ड के लिए था लुईस और कौसेल का, और दूसरा लैंगमुइर का था किसके लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। और दूसरी चीज, जब ये शेयरिंग होती है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मीन्स एक पेयर बना है इलेक्ट्रॉन का, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो पेयर बने हैं दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और तीन पेयर बने हैं तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। यानी कि ऑक्सीजन जो शेयरिंग करेगा उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और नाइट्रोजन जब शेयरिंग करेंगे तब उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, 3 कैसे बनते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। अब इसको बस स्टडी कर लेना अपनी बुक से। बाकी इसको जो है बताया था मैंने, इसको बोलते हैं लुईस सिंबल, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसमें शेयर होने के बाद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे कैसे होती है उसको शो किया जाता है डॉट से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।